अब हिमाचल प्रदेश में कल एक पॉजिटिव केस और आया, जो तबलीग जमात का जो मरकज से जो दिल्ली से आया था वो गंगत का रहने वाला है, और हमने आइडेंटिफाई किया है उनका जो ट्रेन, किस ट्रेन में आया है, किस गाड़ी में ट्रेवल किया, और क्वारंटाइन के लिए उचित कार्रवाई हम कर रहे हैं। और जो तीन जो मरकज के तबलीग जमात के जो पॉजिटिव कल निकले थे, परसों निकले थे, जो कल एडमिटेड थे आईजीएमसी में, वे लोग दिल्ली से एचआरटीसी बस से चले हैं। 18 तारीख को 4 बजे चलने वाली बस और दूसरा 9:30 बजे चलने वाली बस में बैठकर नालागढ़ आए थे। तो जिन लोगों ने उस दिन इस बस में, इन दोनों बसों में जो ट्रेवल किए, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे सेल्फ क्वारंटाइन में रहे। अगर कोई कोरोना वायरस का सिम्टम उनको लगता है तो जरूर टेस्ट कराए और तब तक क्वारंटाइन में ही रहे। कल हमारे अपील के उपरांत 12 तबलीग जमात के लोग जो दिल्ली निजामुद्दीन के मरकज गए थे और मार्च महीने में वापस आए थे, उन्होंने डिस्क्लोज किया। इसके अलावा 52 जो तबलीग जमात के लोग जो इनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उन्होंने भी पुलिस को सूचना दिया और वो स्वयं क्वारंटाइन में चले गए। और एक बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, कुछ एक इंस्टेंसेस जो कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग जो है दूसरों के मुंह में जो थूकने का वारदाते आई है, हिमाचल में भी एक वारदात ऐसा आई है, तो मैं एक फर्म चेतावनी देना चाहता हूं, कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुंह पर अगर थूकता है तो उसके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है, उसकी डेथ होती है, तो 302 जो मर्डर केस दर्ज किया जाएगा और उसको मर्डर ट्रायल का भी फेस करना पड़ सकता है। आज 6 अप्रैल है, हिमाचल प्रदेश में अब तक लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा है और आप सबको पता है कि ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा। और कल रात 9 बजे सब लोग बालकनी में आके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दिया जलाए हैं और प्रार्थना की है, और प्राइम मिनिस्टर के अपील पर हिमाचल प्रदेश में ये मासिव रेस्पॉन्स रहा है, ऑलमोस्ट 100% रेस्पॉन्स रहा है। हिमाचल वासियों को मैं इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है जो प्रेयर का पॉजिटिव असर जरूर होगा और इस कोरोना वायरस को मिटाने में हम कामयाब रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।